हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं शिवानी दीप खोड़पे आपका मेरे चैनल शेड्स ऑफ शिवा में स्वागत करती हूँ। तो हमारा आज का वीडियो है कफ और एलर्जिक अस्थमा, इसके ऊपर। तो अस्थमा क्या है? अस्थमा एक क्रोनिक कंडीशन है जहाँ पे हमारे एयर पाइप स्वेल हो जाते हैं और उसकी वजह से हमें ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है। वैसे ही हमारे एयरवेज की जो मसल्स रहती है वो टाइट हो जाती है, स्टिफ हो जाती है, इसकी वजह से हमें ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है। तो इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह हमें कुछ एलर्जी रहती है बचपन से, जिसकी वजह से हमें एलर्जेटिक अस्थमा होता है। और आजकल की पोल्यूशन रेट हमारा बहुत ज़्यादा रहता है, तो पोल्यूशन की वजह से हमें कफ वगैरह हो सकता है। आजकल का मौसम ऐसा है जो कफ को आकर्षित करता है अपनी तरफ। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिसकी वजह से हमें अस्थमा और कफ जैसी समस्याएं हमें सामना करना पड़ता है। तो आज हम ऐसी प्रैक्टिसेस और ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस करेंगे और ऐसे आसन देखेंगे जो हमें इससे उभरने में हमारी मदद करे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं फॉर अस्थमा एंड कफ। सबसे पहले आप जिस आसन में कंफर्टेबल हो उस आसन में बैठ जाना है। फिर आपके गर्दन की एक्सरसाइज आपको शुरू करनी है। सांस लेते हुए पीछे लेके जाना है, सांस छोड़ते हुए आगे लेके जाना है। सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। ये आपको 5 बार करना है। इसके बाद साइड टू साइड आपको घुमाना है। इनहेल एक्सहेल, सांस लेते हुए लेफ्ट, सांस छोड़ते हुए राइट। ये भी आपको 5 बार करना है। इसके बाद अभी आपको गर्दन घुमानी है पूरी तरह से। इनहेल करते हुए पीछे लेके जानी है और एक्सहेल करते हुए आगे लेके आनी है। सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। ये आपको 5 बार करना है एक साइड से, फिर दूसरी साइड से 5 बार। फिर ये होने के बाद आपको गर्दन सीधी कर लेने हैं, स्टॉप। फिर दोनों हाथ कंधे को लगाने हैं और फिर उनको सर्कुलरली घुमाना है पीछे साइड में। ये भी आपको 5 बार करना है और फिर रिवर्स। ये होने के बाद आगे और पीछे, जितना पीछे आप ले जा सको उतना पीछे लेके जाना है। ये भी 5 बार करना है। फिर इसके बाद ऊपर और नीचे, ऊपर लेके जाना है, दोनों को जोड़ने की कोशिश करनी है और फिर नीचे लेके आना है। ये भी आपको 5 बार करना है। ये होने के बाद थोड़ी देर रिलैक्स हो जाना है। फिर जाएंगे हमारे नेक्स्ट आसन की तरफ। दोनों पैर स्ट्रेट करने हैं, फिर लेफ्ट लेग राइट लेग के नीचे से आपको पूरी तरह से फोल्ड करना है और राइट लेग लेफ्ट लेग के ऊपर, दोनों घुटने एक दूसरे के ऊपर आएंगे। राइट लेग आप ऊपर ले रहे हो तो राइट हैंड ही आप ऊपर लोगे और लेफ्ट हैंड नीचे से, और दोनों को इस तरह से पकड़ेंगे। नहीं पकड़ा जा रहा होगा फिर भी आपको वो करना है, धीरे धीरे आप दोनों हाथ पकड़ सकोगे। फिर आपको करनी है पर्स ब्रीदिंग। तो नाक से सांस लेनी है गहरी और फिर मुंह से ओ बना के, लिप्स से ओ बना के आपको वो छोड़नी है। ये भी आपको करना है 5 टाइम्स। सांस लेनी है नाक से और छोड़नी है मुंह से ओ बनाकर। ये 5 टाइम्स होने के बाद आपको रिलैक्स हो जाना है। फिर हम जाएंगे हमारे अगले आसन की तरफ, कैट काउ पोज। वज्रासन से आपको घुटने पे खड़े हो जाना है, दोनों पैर फ्लैट कर लेने हैं, दोनों हाथ ज़मीन पे टिका देने हैं। फिर आपकी पीठ पूरी तरह से ऊपर लेके जानी है और फिर पूरी तरह से नीचे लेके जानी है। ऐसे आपको 5 टाइम्स करना है। जब आप पूरी नीचे लेके जाओ तो आपकी गर्दन ऊपर होनी चाहिए और जब ऊपर लेके जाओ तो गर्दन नीचे होनी चाहिए। ये आपको 5 टाइम्स करना है। ये 5 टाइम्स होने के बाद आपको वापस वज्रासन में जाना है और रिलैक्स करना है।
रिलैक्स हो जाना है। फिर जाना है आपको विपरीत शयन स्थिति में, पेट के बल लेट जाना है और फिर सांस लेते हुए पूरी तरह से आपके शरीर को ऊपर की साइड लेके जाना है। गर्दन पूरी तरह से ऊपर की साइड कर लेनी है। ये आपको 3 times 5 breath के लिए वहाँ पे स्टेबल रहना है। फिर हम करेंगे दूसरा आसन। दोनों हाथों से दोनों पैर पकड़ लेने हैं और सांस लेते हुए पूरी तरह से ऊपर लेके जाना है। यह है धनुरासन। अगर आप ये आसन नहीं कर पा रहे हो, ये भी 5 breath के लिए आपको वहाँ पे रुकना है, स्टेबल रहना है। और अगर आप ये आसन नहीं कर पा रहे हो तो आपको सिर्फ हाथ आगे लेके जाने हैं और सांस लेते हुए दोनों हाथ दोनों पैर एक साथ ऊपर लेके जाने हैं। वो आसन नहीं हो रहा होगा तो आपने ये आसन करना है और फिर ये 5 breath तक 3 times करने के बाद आपको रिलैक्स हो जाना है। रिलैक्स होने के बाद आपको बैठक स्थिति में जाना है। जो भी आसन आप प्रेफर करते हो उसमें आपको बैठ जाना है। गहरी लंबी सांसें अंदर लेनी है और छोड़नी है। अब हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। एक प्राणायाम आज हम लेंगे जो इसके लिए उपयुक्त है। राइट हैंड सामने लेना है, पहली दो उंगलियां दोनों नीचे फोल्ड कर लेनी है और फिर लेफ्ट से आपको सांस लेनी है और फिर राइट से छोड़नी है, पूरी तरह से छोड़ देनी है। फिर वापस राइट से सांस लेनी है और लेफ्ट से छोड़ देनी है। ये एक आवर्तन हुआ। ऐसे आपको 5 से 10 आवर्तन एक बार में करने हैं। इस पर कोई एनर्जी नहीं लगती तो आप ये इजीली कर सकते हो। 5 से 10 बार एक आवर्तन पूरा, दोनों साइड से आप सांस लोगे, दोनों साइड से सांस छोड़ोगे, ऐसा आपका पूरा एक आवर्तन होगा। और फिर ये 5 times होने के बाद आपको रिलैक्स करना है। गहरी लंबी सांस अंदर लेते हुए आपने पूरी बॉडी रिलैक्स कर ली है। तो आशा करती हूँ मैंने आज के सिखाए हुए आसन और ब्रीदिंग प्रैक्टिस आपको ज़रूर समझ में आए होंगे और आपके ये जो सिम्टम्स रहते हैं, जो आपको इस वजह से जो परेशानी होते हैं, उससे ईज आउट करने में आपकी बहुत मदद होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। शुक्रिया।